देखिए, मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है तो मसाइल ये होते हैं कि सबसे पहले तो लोगों के पास टाइम नहीं है। जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम बेस करते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, तो हमारे जो साथी हमारे साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो भी कम्युनिटीज से ही हैं, तो वो फिर एडजस्ट करते हैं अपने टाइम को वर्कर्स के टाइम के साथ। और हमारा काम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो लेबर लॉज हैं वो क्या हैं, और आप जो है वेजेस के अलावा भी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपके जो शहरी मसाइल हैं, जो आपके सिटीजनशिप के मसाइल हैं, हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपको जो जो कानूनी तहफ्फुज़ हासिल है उनके ऊपर भी बात की जाती है। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे कि होता था पहले लेबर मूवमेंट में, कि हमारी जो जिद्दोजहद थी वो सिर्फ कानून के हद तक महदूद नहीं थी। तो हम कोशिश करते हैं, अपने पुराने साथियों से हमने सीखा ये कि वो ही तरीका जो है, क्योंकि वर्क प्लेसेस के ऊपर तो वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही नामुमकिन सा हो गया है, तो उसको सीखते हुए हमारे पुराने साथी थे उमर अब्बास साहब, बुनियादी तौर पे ये उनका ख्याल है कि हमें कम्युनिटीज में ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइज ऐसे किया जा सकता है कि आप ये बात करें कि आपके जो भी मसले हैं वो एक अलग अलग रह के उनको हल नहीं किया जा सकता। मसलन अगर आप का बिजली का मसला है, पानी का मसला है, वेजेस का मसला है, उसके लिए आपको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। और वर्किंग कम्युनिटी से हमारा मतलब ये होता है कि वो रिहायशी इलाके जहाँ की मेजॉरिटी जो है वो वर्कर्स के ऊपर बेस करती है, तो उसमें जब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जब गैस का मसला हुआ कराची में बहुत ज़्यादा, जब पानी का मसला हुआ, तो इलाकों के अंदर जो ग्रुप्स बने हुए थे वो बाहर निकले और उन्होंने मेक श्योर किया कि उनको वो सहूलियात मिले। जब कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत तंग करते हैं, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं मिसाल के तौर पे, या जो छोटे कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, जब उनको तंग किया जाता है, वेजेस नहीं दी जाती या उनकी वेजेस को बढ़ाया नहीं जाता, तो लोग इकट्ठे होते हैं और अपने मसले को हल करते हैं। इसीलिए मैं जो बात मैं समझती हूँ कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसको हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। जो नैरेटिव हमें गवर्नमेंट ने दिया है, या जैसे ये जो इस वक्त पाकिस्तान में कानून मौजूद है, ये बुनियादी तौर पे अमेरिकन ट्रेड यूनियन का कानून है जो प्लांट लेवल का है। तो जब आप उसके अंदर रहेंगे और उसी के लिए कोशिश करते रहेंगे तो आपके मसले हल नहीं होंगे। तो जो कम्युनिटी बेस्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं कम्युनिटी के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर, मेरी गुजारिश ये होगी कि उनको भी हम वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे कंसिडर करें, और उनको भी जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड इस वक्त मेन स्ट्रीम मूवमेंट है उसके अंदर हम उनको भी शामिल करें। आपको अंजुमन मुजाहरीन पंजाब की मिसाल याद होनी चाहिए, या आपको पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की मैं मिसाल देना चाहूँगी कि वो सारे लोग जो कम्युनिटी लेवल पे अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, वो ना सिर्फ अपने कम्युनिटी के इश्यूज़ को रेज करते हैं बल्कि वो अपने वर्क काम के जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। देखिए, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि औरतें जो काम करती हैं उसको काम माना ही नहीं जाता। एक काम जो वो ज़रूर करना ही पड़ता है उनको, चाहे आपकी कोई भी हैसियत हो, तो वो उसको काम माना ही नहीं जाता, और वो काम है जो आप घर में कर रहे होते हैं। घर के काम को सिवाय दुनिया भर में चंद ममालिक है जिसमें न्यूजीलैंड एक मुल्क है, उनको काम माना ही नहीं जाता है। तो सबसे बड़ा मसला औरतों का जो है वो फैमिली के अंदर जो ऑप्रेशन है आपका, और वो सिर्फ काम की रिकग्निशन की हद तक नहीं है, वो रिसोर्सेस की हद तक भी है कि आपको कोई रिसोर्स भी नहीं दिया जाता। आप अपनी ही फैमिली के अंदर एक सर्वेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। हो सकता है लोगों को ये मेरी बात जो है ये बहुत नामुनासिब लगे, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि ना औरतों के पास कोई रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज से मेरा मतलब ये है कि आप उनको नंबर वन तो इस काबिल ही नहीं समझते कि ये कोई फैसला कर सकती हैं, इनके पास दमाग है, या हम एक्चुअली ये समझते हैं कि इनके दिमाग को इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, जो कि हम वर्कर्स के साथ भी ये करते हैं। तो जायदाद के अंदर आप देखें, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो उसके अंदर आप देखें कि कितनी औरतें हैं जिनके पास कोई इंटाइटलमेंट्स है, कितनी औरतें हैं जिनके पास कोई घर है, गाड़ियां हैं, बिजनेस है,
तो बुनियादी मसला जो है औरतों का वो ये कि उनको पूरी उनका जो एक पर्सनहुड का कॉन्सेप्ट है वो हम औरत का मानते ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान की मजदूर तहरीक जो है वो भी रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी जो है, मुझे याद है आज से कोई 32-35 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया, तो हम जब ये कहते थे कि जी खवातीन क्यों नजर नहीं आती हैं आपके काम में, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन लीडर्स रह चुकी हैं खवातीन, लेकिन ट्रेड यूनियन मूवमेंट की मेजोरिटी में औरतें क्यों नजर नहीं आती, जो जनरल मेंबरशिप है उसमें नहीं है, और अगर मेंबर भी हैं तो उहदेदारी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में औरतें नहीं है। तो उनका ये कहना होता था कि ये तो इनके पास तो टाइम ही नहीं होता। तो हमने कहा आप मीटिंग कब करते हैं? उन्होंने कहा मीटिंग तो हम प्लांट पे ही करते हैं। जब आप प्लांट पे ही मीटिंग करेंगे, प्लांट के ऊपर ही आपका जो यूनियन का ऑफिस है वो भी बना हुआ है, तो आप औरतों की पार्टिसिपेशन कहाँ से इंश्योर करेंगे? एक और बहुत अहम मसला जो पाकिस्तान की ट्रेड यूनियन में है कि जो मेल शोविनिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि वो अपनी जगह मौजूद है, जो जितना बड़ा माचो है वो उतना बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर है। ये भी हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें औरतों की गुंजाइश कहाँ है? उसमें तो जो थोड़े मेलो मर्द हैं, जो थोड़े धीमे मर्द हैं, उनकी भी गुंजाइश नहीं है। तो फिर खवातीन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। कितने ट्रेड यूनियन लीडर्स ऐसे हैं जिनके घर की खवातीन बाहर निकल के काम करती हैं, जिनको आपने कभी देखा ही है? उनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा। बहुत से ट्रेड यूनियन लीडर्स मेरे जैसे काम के तजर्बे में, उनका ये कहना होता था कि आप जैसी जो फेमिनिस्ट खवातीन हैं उनके साथ हमारे घर की खवातीन को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये ट्रेड यूनियन में भी मौजूद है। तो जब आप खवातीन को बुनियादी तौर पे एक इंसान की पूरी हैसियत ही देने को तैयार नहीं है, जब आपको मुजाहरे में आगे करना है औरतों को क्योंकि ज़रूरत है, तब औरतें ठीक हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग करनी है तो फिर औरतें ठीक नहीं है। तो ये सोच जो है ये पाई जाती है ट्रेड यूनियन में भी है।